SSB. Host no. JK SSB. Host no. We want justice. We want justice. We want justice. JK SSB. Host no. 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 Waiting list. Waiting list. Host no. Waiting list. Host no. Waiting list. Host no. Waiting list. Host no. JK SSB. Hi hi. JK SSB. Hi hi. We want justice. 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 JKSSB. Hi hi. JKSSB. Hi hi. JKSSB. Hi hi. We want justice. 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 JKSSB. Hi hi. JKSSB. Hi hi. Aspirants हैं यहाँ पर जन्म आप ये वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हो कि दोबारा से शुरू किया जाए, क्यों लगता है आपको सरकार ने फैसला लिया? ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्कैम है और ये कहीं ना कहीं ऐसा हमें दिख रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक रेवेन्यू जनरेट करने का अड्डा बना दिया गया है या यहाँ बस किसी न किसी बहाने से पैसा जनरेट करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी ये लेटर लिखी, ऑनरेबल हमारे जो यहाँ के LG साहब उनको लेटर लिखी थी, उन्होंने आगे कहा कि हम कुछ करेंगे, उन्होंने आगे जो चेयरमैन JKSSB को उनको फॉरवर्ड की कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बात बेसिकली ये है कि JKSSB वालों ने वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी है। वेटिंग लिस्ट खत्म करने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे जो सिलेक्शन लिस्ट में आया है अगर नौकरी छोड़ता है उसके बाद क्या होता था, वेटिंग वालों को उम्मीद रहती थी कि आप वो बच्चों को चांस मिलेगा, मतलब वो सिलेक्ट हो जाएंगे जॉब के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। वेटिंग बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है और हम इसकी प्रॉपर तरीके से मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रिज्यूम की जानी चाहिए लिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि JKPSC जैसे इतना बड़ा एग्जाम जैसे JKS वहां आपने वेट लिस्ट को ऑन रखा, क्योंकि आपको पता है कि वहां आपको इंटरव्यूज वगैरह होने हैं तो आपको बैकडोर एंट्री करने के पूरे पूरे चांस आपको दिख रहे हैं, इसलिए आपने JKPSC में वेट लिस्ट को ऑन रखा है। JKSSB जहां आपको पता है कि अब वहां आपने इंटरव्यूज वगैरह तो लेने नहीं है, डायरेक्ट बच्चों ने लग जाना, तो आपने वहां वेट लिस्ट खत्म ही कर दी है। अभी रिसेंटली VLW का एग्जाम हुआ था 10 तारीख को, आप तो उसका रिजल्ट भी आ गया है, आप देखें मैक्सिमम बच्चों ने वो फॉर्म भरा था, उसमें बैठे भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम एक अभी JKPSC का भी अभी रिसेंटली एक एग्जाम अभी आया है और मतलब वो रिजल्ट भी आ गया। ऐसे बहुत बच्चे थे जो VLW में ऑलरेडी थे और वो वहाँ सेलेक्ट हो गए, मतलब उन बच्चों ने नौकरियाँ छोड़नी है और कमिंग टाइम में अभी फाइनेंस अकाउंट स्टेंट का एग्जाम आने वाला है, तो वो बच्चे वहाँ भी बैठने वाले हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, VLW का जो एग्जाम है कंपेयर टू बाकी से थोड़ा छोटा है, तो जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं आने वाले एग्जामों अगर सेलेक्ट होंगे तो उनको नौकरियाँ छोड़नी पड़नी है, कौन सी VLW वाली। अब जब वेटिंग लिस्ट ने खत्म ही कर दी है तो 500-600 जो पोस्ट है जो VLW की जो खाली रह जानी है उनको फिल कौन करेगा, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट होती तो सब बच्चों को चांस मिल जाना था जो वेकेंट थी। हमारा बस यही एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल LG साहब से कि प्लीज आप इस लिस्ट को रिज्यूम कर दें, वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम करें, ताकि मतलब आने वाले टाइम के जो मतलब बच्चे उनको पूरा पूरा चांस मिले, बस यही हमारी उम्मीद है। और हम आपके माध्यम से एक जोर बोलना चाहते हैं, हमने 6 तारीख तक मतलब 5 तारीख तक लगातार पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहने, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी 6 जनवरी 2024 को हम LG ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, धरना नहीं देंगे, बस बैठ जाएंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी।